डालने में आप करेंगे नाम में डालो भगवान के नाम आइए साहब के भगवान के नाम पे दे के नाम पे बड़ा होगा गरीब बच्चों का कलेक्टर ऑफिस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी शर्मा के नेतृत्व में हमारा एक शिष्टमंडल मिला। हमने जोन डायरेक्टर साहब से ये कहा कि आप 19-20 का भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं आरटी के तहत, जबकि हमारे 2017-18 से द्वितीय किस्त बाकी है, 18-19 की दोनों किस्तें बाकी हैं और अभी तक हमको भुगतान नहीं हुआ है। कारण ये है कि हम जो है आरटी का पैसा सरकार जो ऐसा है गरीब बच्चों का जो 25% दे रही है उसका भी पैसा हम स्कूल वालों को नहीं मिल पा रहा है। हम अभिभावक से मांग नहीं सकते, अभिभावक जब तंग जब उससे हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें टीसी दे दो। हम आरटी के तहत किसी को टीसी इशू कर नहीं सकते। अगर हम उसके बाद डीओ डीडी कहते हैं कि आप इनको आरटी के टीसी दें, अगर हम टीसी देते तो हमारा जो शेष जो 25% जो बच्चों का भुगतान है उसको कौन करेगा। हम सरकार से बार बार हमने डीओ को डीडी को दे दिया, आज जोन डायरेक्टर साहब को दे दिया। जोन डायरेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम अजमेर के लिए पूरी संभाग की जितनी भी आरटी का 17-18, 18-19 का है उसके तहत हम आपको प्रयास करवाएंगे और बजट रिलीज करवाएंगे। हमारा अगर नहीं मिलता है तो हमने तय कर लिया कि 19-20 का भौतिक सत्यापन ऑल राजस्थान की कोई भी प्राइवेट स्कूल भौतिक सत्यापन नहीं करेगी। हेमेंद्र कुमार बारोटिया, प्रदेश संयोजक, राजस्थान प्राइवेट। आरटी के तहत जिन विद्यालयों में निरीक्षण किया जाता है बच्चों का भौतिक निरीक्षण भौतिक सत्यापन के पश्चात राज्य सरकार से डिमांड की जाती है और राज्य सरकार से पैसा जारी क्यों होता है, और इस बार भी जो है पैसा जारी किया गया है। और मुझे जो है ये ज्ञापन जो मिला है इसमें इन लोगों ने बताया कि कुछ स्कूलों का पैसा भी नहीं मिला है, इसकी मैं जांच करवाता हूं और जांच करवा करके जल्दी ही जो है इसका निस्तारण करवाने की कोशिश करूँ। तो इनका कहना है कि दो वर्ष से नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, हर साल जो है पैसा जारी होता है। और हो सकता है कि किसी विद्यालय का भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण से या किसी कारण से इनको पैसा नहीं जारी हुआ किसी विद्यालय का, तो इसकी जांच करवा लेते हैं और जांच करवा करके इनका जो है तत्काल निस्तारण करवा देंगे। सर, आपको लगता है कि इसकी वजह से भुगतान अटकने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है? नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता पर गरीब बच्चों की शिक्षा पर भुगतान से संबंध नहीं, स्कूल से संबंध है। बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, अगर वो बच्चों को जो है टीसी देते हैं या वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बच्चे तो रेगुलर पढ़ रहे होंगे और अगर इस तरह कोई बाधा आती है तो उसका जो है तत्काल निदान किया जाएगा बच्चों के लिए। तो भुगतान के लिए जो है कार्रवाई हम जरूर करेंगे। मैं स्वयं इस बारे में देख करके और डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा या जो है जहां भी ये अटका हुआ है मैटर उसको निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। आपका नाम और पदनाम बताओ। सुभाष चंद्र शर्मा, संयुक्त निदेशक अजमेर।